बलियापुर चौक में शुक्रवार को धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह का पुतला दहन किया गया। पीएसडी विभाग द्वारा जलापूर्ति योजना जिसने बलियापुर प्रखंड के 27 गांवों को पानी मिलने हैं, उक्त योजना में धानली तथा मनमानी के विरोध में पीएन सिंह का पुतला जलाया गया। उक्त जलापूर्ति योजना के अंतर्गत संवेदक द्वारा बलियापुर सिंदरी मेन रोड से होते हुए गोविंदपुर रोड में जल का पाइप न बिछाकर बलियापुर के डाक बंगला न्यू कॉलोनी जो काफी संकीर्ण है उसमें पाइप बिछाने का काम कर रही है। उल्लेखित घटना के विरोध में आज बलियापुर चौक में नवनिर्वाचित प्रमुख पिंकी देवी के नेतृत्व में पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। उक्त कार्यक्रम में उप मुखिया उमेश महतो, श्यामल सरकार, टप्पू महतो, अजय कुमार रावत, विश्वजीत दत्ता, कुक्कू सिंह, कृष्णा दा रामा, शंकर कुमार, टिंकू भट्टाचार्य आदि लोग उपस्थित थे। क्या कुछ गलत नजर आ रही है इसमें? हाँ, गलत नजर आ रही है। रोड से आना चाहिए, वो स्कूल कॉलोनी में घुसा दिया जा रहा है। बाहर भी इतना बड़ा बड़ा घुसा दिया जा रहा है कि किसी भी तरह से अगर छेदा हो गया इसमें कॉलोनी में। किस विभाग की ओर से हो रही है? इसको लेकर विभागीय स्तर पर कोई वार्ता हुई है अभी तक? आज पुतला दहन कर रहे हैं, आगे की रणनीति क्या बना रहे हैं, किस तरीके से सुधार होगी इसमें? अगर नहीं सुधार होगा तो हम बढ़ चढ़ के और भर लेंगे। पीएसडी डिपार्टमेंट की ओर से डाकबंगला कॉलोनी की ओर से होते हुए पाइपलाइन पार हो रहा है। वो पाइपलाइन बहुत छोटा पाइप है, 400 डाया का पाइप है और वो कॉलोनी का जो रास्ता है वो 10 फीट का रास्ता है। वहाँ पे कॉलोनी वासी रहते हैं, उस पाइप में किस तरह का भविष्य में अगर छेद होगा तो कॉलोनी के घर के अंदर में पानी घुसेगा। और वो जमीन रैयती जमीन है, पीएसडी डिपार्टमेंट की ओर से जो नक्शा पास हुआ है वो सिंदरी रोड होते हुए मेन रोड होते हुए आना है। ये जलापूर्ति योजना इसको 2020 में ही कम्प्लीट करना था, लेकिन विभिन्न तरह का भ्रष्टाचार, विभिन्न तरह का काम का लापरवाही के कारण अभी तक लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। हम भी सरकार से और पीएसडी डिपार्टमेंट से डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द पानी भी मिले और लोगों को असुविधा नहीं हो। और डगवाला कॉलोनी से पार नहीं होना चाहिए, जो नक्शा के हिसाब से उसी अनुसार से पार होना चाहिए। अगर इस तरह की समस्या आ रही है तो कितने लोग प्रभावित होंगे? इस तरह की समस्या आ रही है तो इसमें बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे, वो कॉलोनी के लोग प्रभावित होंगे। उधर से हाई स्कूल का मैदान है, बहुत सारे लोग वहाँ पे कहीं प्रावधान नहीं है। तो डिपार्टमेंट अपना जमीन पर खोद के पाइप डाले अंदर। कितने की आबादी है उस जगह? 2000 की आबादी है, यानी 2000 की आबादी के बीच में एक समस्या बरकरार है।